हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। आज के वीडियो में मैं आप सबको एलोवेरा जेल से हम घर पे ही क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम कैसे बना सकते हैं ये बताऊंगी। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे एक व्यूअर मेघना सर्वे ने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की। सो मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इसमें मैं टोटल 2 मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स बनाना बताऊंगी यूजिंग एलोवेरा जेल। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगी। मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो केमिकल फ्री है, तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे इसे यूज़ करने के। ड्राई स्किन वालों के लिए ये क्रीम्स बहुत अच्छी है। ऑयली स्किन वाले भी ये क्रीम बना सकते हैं, बस उन्हें इंग्रेडिएंट्स के थोड़े रेशियो चेंज करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्रीम देखते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल स्किन को सूथ करता है, ये स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को रिजुविनेट करता है और स्किन की रीजनरेशन और हीलिंग पावर को तेज़ करता है, बढ़ाता है। ये सनबर्न और डार्क स्पॉट्स को भी ट्रीट करता है। तो सबसे पहले मैं अबाउट 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लूँगी। आप फ्रेश एलोवेरा भी ले सकते हैं। मैं 3 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल लिया है। अब मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सुपर मॉइस्चराइजिंग होता है। ये स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर तक हाइड्रेट करता है और स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये स्किन की एजिंग इफेक्ट को स्लो करता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन के इन्फेक्शंस को दूर करता है। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है। तो मैं 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लूँगी। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे। अगर आप फ्रेश एलोवेरा लीव ले रहे हैं तो आपको उसमें से एलोवेरा जेल निकाल कर उसे पीसना होगा, उससे जेल फॉर्म करना होगा, देन आफ्टर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम का टेक्सचर हो गया है। अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ऑलिव ऑयल भी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ऑलिव ऑयल ऐड करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि जो आपकी क्रीम है उसकी कंसिस्टेंसी क्रीम जैसी ही रहे, बिल्कुल रनी ना हो, बिल्कुल बहती हुई ना हो। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है, बिल्कुल जैसे हम जो भी दूसरे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स अप्लाई करते हैं ये बिल्कुल वैसी हो चुकी है। इसका एप्लीकेशन देखिए, बहुत अच्छे से ये स्किन को हाइड्रेट करती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सिर्फ 1 चम्मच कोकोनट ऑयल यूज़ करें। ये हमारी जो फर्स्ट क्रीम है ये रेडी है। सेकेंड क्रीम बनाने के लिए मैं 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लूँगी और मैं जो सौंदर्य एलोवेरा जेल आया है जो केसर चंदन वाला, वो यूज़ कर रही हूँ ये बनाने के लिए। आप नॉर्मल भी एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। मैंने अबाउट 4 टेबल स्पून ये वाला एलोवेरा जेल लिया है। ये बेसिकली ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए अच्छा होता है। तो मेरी जो ये क्रीम है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जिनके फेस में बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं और ड्राई स्किन है, उनके लिए ये बहुत अच्छी होगी। अब हमारा थर्ड इन्ग्रीडियंट है, या तो हम विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आलमंड ऑयल, इन दोनों में से आप जो लेना चाहें। तो मैं विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। विटामिन ई कैप्सूल भी रिंकल्स और स्किन एजिंग से फाइट करता है और स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है। अब हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से एटलीस्ट 5 मिनट्स तक के हमें इसे मिक्स करते रहना है सो दैट एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर मिले। लेकिन ये जो क्रीम है ये आप देख सकते हैं थोड़ी रनी है, ये उतनी ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में नहीं है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ऐड कर सकते हैं सो दैट ये बिल्कुल क्रीम और मॉइस्चराइज़र का टेक्सचर हो जाए इसका। अभी इसे एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। सो देखिए ये बिल्कुल क्रीमी हो चुकी है। अब हमारी जो सेकेंड क्रीम है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसका एप्लीकेशन भी बिल्कुल सिंपल है। नॉर्मली हम जो भी क्रीम अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करना है। आप चाहें तो ये दोनों क्रीम्स ऑल ओवर बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस क्रीम को आपको
ग्लास जार में ही सेव करना है, प्लास्टिक जार में इसे सेव ना करें, क्योंकि ये आप बना के अबाउट अ मंथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्रेश लीव से बना रहे हैं ये, तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ेगा और वो 2 वीक्स से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप इसे ग्लास जार में स्टोर करके रखें। इसे आप फुल बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे एज शेविंग क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट इसकी एक थिन लेयर अपनी बॉडी में जहाँ के आपको बाल रिमूव करने हैं वहाँ लगाइए, 1 or 2 मिनट्स उसे छोड़ दीजिए, देन आप उसे शेव कर सकते हैं। सो ये थी मेरी 2 होममेड क्रीम जो मैंने एलोवेरा जेल के यूज़ से बनाई है। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आपको शेयर करना है आप शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। फॉलो मी ऑन रोबोसो इंस्टाग्राम, गूगल प्लस एंड फेसबुक। मेरा यूजर नेम है प्रीति प्रणव और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है।